का क्लोयर होना होता है, उसके लिए डिफरेंट साइड्स ऑफ क्लोयर होती हैं। हर साइड के नॉन क्लोयर से डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन क्लोयर अब नॉर्मेलिटी डेवलप होती है, जिससे कि साइड वन के नॉन क्लोयर से स्पाइना बायफिडा सिस्टिका होता है, मीरो एनसेफली की कंडीशन साइड टू की नॉन क्लोयर से होती है, और क्रेनियो एरिकेस्किसिस की कंडीशन साइड टू, फोर और वन से होती है। साइड थ्री की नॉन फ्रीजियन इतनी कॉमन नहीं होती है। कॉर्डल रीजन के पास एक फिफ्थ क्लोयर साइट होती है, जो कि सेकेंड लंबर वर्टेब्रा से सेकेंड सैक्रल वर्टेब्रा तक स्पैन कर रही होती है, और उससे इन्फीरियरली जो क्लोयर होनी होती है वो सेकेंडरी न्यूरोलेशन से होती है। जो स्पाइनल कॉर्ड के बड़े डिफेक्ट आ जाते हैं उसमें बेसिकली जब न्यूरल आर्चेस यूज़ नहीं करती तो उसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डेवलप होते हैं। यूजली ड्यूरिंग द फोर्थ वीक अब नॉर्मेलिटी आ रही होती है, जिसकी वजह से मेनिंजस, न्यूरल आर्चेस, मसल और स्किन डेवलप नहीं करते। न्यूरल आर्चेस के जो डिफेक्ट होते हैं उन्हें स्पाइना बायफिडा कहते हैं, और इसमें स्पाइना बायफिडा की फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। इसमें कई डिफेक्ट्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, मेनिंजस को, न्यूरोक्रेनियम को इन्वॉल्व कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, सबसे पहले जो ए फिगर है इसमें स्पाइना बायफिडा उकल्टा है, जिसके अंदर जो नॉन अनफ्यूज न्यूरल आर्चेस होती हैं दे आर कवर्ड बाई स्किन एंड अ टफ्ट ऑफ हेयर, बट इफ़ वी लुक एट बी डायग्राम तो इसके अंदर मेनिंजेस भी जो हैं वो प्रोट्रूड आउट की होती हैं और एक सिस्ट की फॉर्मेशन हुई होती है बैक साइड पर। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द सी वाले डायग्राम तो उसके अंदर मेनिंगोमाइलोसील है, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट है वो भी सिस्ट के अंदर डिस्प्लेस हुआ होता है। और फिर डी वाले डायग्राम में आ जाता है, जिसके अंदर माइलोसिस की कंडीशन भी साथ प्रेजेंट है कि स्पाइनल कॉर्ड ओपन है, ऊपर स्किन ने उसे कवर नहीं किया हुआ। ऑल राइट, साइनस के अंदर क्या होता है कि स्किन की इंडेंटिंग प्रेजेंट होती है, नोज़ के रीजन से टेल के रीजन तक एम्ब्रियो की लेंथ के अलॉन्ग किसी भी जगह पर प्रेजेंट हो सकती है। स्पेशली अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से बात करें तो इसमें ये क्लोयर ऑफ न्यूरल ट्यूबर मेनिंजेस के साथ एसोसिएटेड होती है, स्पेशली अंदर लंबोसैक्रल रीजन। और अगर तो डर्मल साइनस प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है डेवलपमेंटल, जिसकी वजह से एक्टोडर्म प्रॉपरली सेपरेट नहीं हुई फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म एंड द मेनिंजेस, जिसकी वजह से एक डिम्पलिंग ऑफ स्किन वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और ये डिम्पलिंग ऑफ स्किन इंडिकेट कर रही होती है वो रीजन जहाँ पर कॉर्डल न्यूरोपोर ने एंड ऑफ द फोर्थ वीक में क्लोज होना था, और ये लास्ट प्लेस ऑफ सेपरेशन होती है बिटवीन द सर्फेस एक्टोडर्म एंड न्यूरल ट्यूब। स्पाइनल बायफिडा ओकल्टा के अंदर जो हाफ्स ऑफ वन और मोर न्यूरल आर्चेस वो फ्यूज़ नहीं कर पाते इन द मीडियन प्लेन L5 या S1 वर्टिब्रा के लेवल पर ही हो रहा होता है, और इसमें स्मॉल डिम्पलिंग प्रेजेंट होती है और एक्सेसिव हेयर प्रेजेंट होता है। यूँ भी हो सकता है कि जो डिम्पलिंग प्रेजेंट है उसके साथ ही यहाँ पर मसल लेयर और एक्टोडर्म के दरमियान फैटी ट्यूमर प्रेजेंट हो, जिसे लिपोमा कह रहे होते हैं। इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, बट एट टाइम्स स्पाइनल कॉर्ड और डोर्सल रूट के डिफेक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पाइना बायफिडा ओकल्टा के अंदर इस तरह से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो रही होती है कि स्किन ने कवर किया हुआ है और वहाँ पर काफ़ी हेयर प्रेजेंट है। इस्टिका में जहाँ पर स्किन जो है और डिपेंड करता है स्किन कवर कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन इसके अंदर इधर मेनिंजेस जो हैं वो इस सिस्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इधर स्पाइनल कॉर्ड डिस्प्लेस हुई हुई है, ठीक है, या इधर स्किन माइट नॉट बी कवरिंग इट इन द केस ऑफ स्पेशली द स्पाइना बायफिडा विद माइलोसिस। यहाँ पर उन्होंने यही दिखाया कि लंबोसैक्रल रीजन के अंदर किस तरह स्पाइना बायफिडा सिस्टिका प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं स्पाइना बायफिडा सिस्टिका को। भाई क्या होता है कि इसके अंदर मेनिंजल सिस्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे सिस्टिका कह रहे होते हैं। मेनिंजल और CSF प्रेजेंट होता है इस सिस्ट के अंदर, सबसे पहले मेनिंगोमाइलोसील वाली कंडीशन डेवलप की। यही कंडीशन जो है ना, अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ने लगे हैं। ऑलराइट, तो क्या होता है भाई कि जो स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व रूट्स होती हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में ही होती हैं, प्रोट्रूजन लेकिन हुई होती है मेनिंजेस और CSF की। अगर तो ये था विद द मेनिंगोसील, अगर तो मेनिंजोमाइलोसील है तो इसका मतलब है कि मेनिंजेस तो प्रोट्रूड आउट की ही हुई हैं, बट देयर इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके अंदर कैलवेरिया या स्कल कैप जो जिसे कह रहे होते हैं वो एबसेंट होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन और एबसेंट होता है, और फेशियल एनोमलीज प्रेजेंट होती हैं, यानी मीरोएनसेफली हुई होती है। मूविंग अहेड, डर्माटोमल लॉस ऑफ सेंसेशन भी हुआ होता है, कंप्लीट या पार्शियल डर्माटोमल लॉस ऑफ सेंसेशन, और इसके अलावा पार्शियल स्केलेटल मसल पैरालिसिस भी हुआ होता है, ठीक है। और डिपेंड करता है किस लेवल पर ले गए ना, उसके अकॉर्डिंग एनेस्थीजिया हुआ होता है। और इसके अलावा अगर लंबर मेनिंगोमाइलोसील प्रेजेंट है तो उसके केस में ब्लैडर और एनल स्फिंक्टर्स का पैरालिसिस हुआ होता है, ठीक है। फर्दर सैडल ब्लॉक एनेस्थीजिया हुआ होता है कि द पार्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सैडल वो सारा पार्ट का एनेस्थीजिया हुआ होता है। उसके बाद अल्फा बीटो प्रोटीन को उन्होंने बताया हुआ कि एमनियोटिक फ्लूइड एंड मैटरनल ब्लड सीरम के अंदर लेवल ज़्यादा होता है। एमनियोसिंथेसिस करके हम इसका लेवल पता कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें NTDs का, वर्टेब्रल कॉलम के डिफेक्ट्स का, वर्टेब्रल आर्च के डिफेक्ट्स का और मेनिंजियल सिस्ट वगैरह का पता लग जाता है, और वर्टेब्रल कॉलम डिटेक्ट की जा सकती है फीटस की अल्ट्रासाउंड के जरिए 10 से 12 वीक के अंदर। स्पाइना बायफिडा के साथ ये कोएग्जिस्ट कर रही होती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पर भी हो सकते हैं, बट दे आर मोस्ट कॉमन इन सैक्रल एंड लंबर रीजन। मेनिंगोमाइलोसील जो होती है ये हाइड्रोसेफलस के साथ एसोसिएटेड होती है, आर्नल्ड कायरे मालफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड होती है। पेशेंट के अंदर हम ये करते हैं कि हम CSF की डायवर्जन कर देते हैं ताकि हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर ना डेवलप हो और ना ही उसकी वजह से फर्दर पर कॉम्प्लिकेशन आएँ, ठीक है।
फर्दर इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी सेम बात है कि स्कल कैप या कैलिवेरिया की डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होती, जिसे हम क्रेनियल एक्यूनिया कह रहे होते हैं। ये स्फेयर इफेक्ट होता है, जो अफेक्टेड एरिया होता है वो ओपन होता है, ओवरलाइंग स्किन जो होती है वो फ्यूज़ ही नहीं कर पाती, तो स्किन भी ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। फ्लैटेंड मास ऑफ नर्वस टिश्यू इज़ कम्प्लीटली एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और इसमें परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है या लोअर लिम की वीकनेस हो जाया करती है। वजह क्या है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की? भाई या तो न्यूट्रिशनल वजह या एनवायरमेंटल वजह है, ठीक है, जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, लैक्टिक एसिड की जो सप्लीमेंटेशन होती हैं बिफोर कंसेप्शन स्टार्ट करनी चाहिए और उसको फर्दर 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करना चाहिए, और तमाम वुमेन जो कि चाइल्ड बेरिंग एज पर उन्हें 0.4 mg फॉलिक एसिड रोज़ लेना चाहिए। B12 अगर मेटरनल कम है उसकी वजह से भी एंटिटीज डेवलप हो जाते हैं, और वेलपोरिक एसिड अगर आपने ले लिया या एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स ले लिए तो उसकी वजह से आपने इसके चांसेस बहुत इंक्रीज़ कर दिए। ऑल राइट, अब हमारी जो अगली कंडीशन, इट इज़ रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम देखें ना, तो पहले तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये हाइपोफिजियल डायबेटिकलम बन रहा होता है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड ने डेवलप होना होता है। इसकी जो स्टॉक होती है अगर उसके रेमिनेंट बच जाएँ तो उसकी वजह से उसकी वजह से डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं। बहरहाल अभी जो मैं बताने लगी हूँ बात वो ये है कि यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप हो रहा है। इस तरह भी हो सकता है कि इसका जो इंटीरियर लोब का टिश्यू है वो डिस्प्लेस कर जाए और वो कैप्सूल के अंदर ना प्रेजेंट हो बल्कि वो सेला टर्शिका ऑफ द स्फीनॉइड बोन के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है कि वो स्फीनॉइड बोन के कम्प्लीटली अंदर प्रेजेंट हो, इस तरह हो सकता है सेला टर्शिका के अंदर प्रेजेंट हो, और ये भी हो सकता है कि नीचे फरेंजियल जो रूफ है उसके अंदर वो प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर हम देखें तो फ्रेंजल हाइपोफिसिस की फॉर्म में वो रूफ तो ओरोफेरिंग्स के अंदर ही पड़ा हो सकता है, वो जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्फीनॉइड बोन होती है जिसे हम कह रहे होते हैं बेसो स्फीनॉइड, उधर भी पड़ा हो सकता है, फेरिंग्स के अंदर भी पड़ा हो सकता है, और वो बेनाइन ट्यूमर भी डेवलप कर देते हैं। एंड ट्यूमर जो होते हैं वो अलॉन्ग द पाथ ऑफ द हाइपोफिजियल डायबेटिकलम प्रेजेंट होते हैं, और क्यों होते हैं, ड्यू टू द एपिथेलियल रेमिनेंट्स जो कि बच रहे होते हैं वहाँ पर। रोस्ट्रल न्यूरोपोर फ्लूइड वीक के अंदर क्लोज नहीं हो रहा था, उसकी वजह से कैलिवेरिया और ब्रेन का मेजर पोर्शन का डिफेक्ट होता है जिसे मीरोएन्सेफली कह रहे होते हैं। इसके अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाइंड ब्रेन और कैलिवेरिया एब्सेंट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्रेनियम से एक्सट्रूड आउट कर रहा होता है, बाहर की तरफ ब्रेन एक्सपोज होता है जिसे हम एक्सेन्सेफली कहते हैं, और ये जो एक्सट्रूडेड टिश्यू ऑफ द ब्रेन होता है इसकी वेस्कुलराइजेशन हुई होती है, यानी एक स्पॉन्जी वेस्कुलर मैस होता है जिसके अंदर हाइंड ब्रेन के स्ट्रक्चर होते हैं। मोस्टली कॉमन लीथल डिफेक्ट है, ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर हो रहा होता है, और इट मे कोएग्जिस्ट विद द रेकेस किसेज एंड ए क्रेनिया। स्टिल बॉर्न फीटिस के अंदर ये कॉमन होता है, और इस फीटस का बीफ से सर्वाइवल हो सकता है। बाकी अगर डायग्नोसिस की बात करें तो अल्ट्रासाउंड कर लें या फिर रेडियोग्राफी या MRI कर लें तो डायग्नोसिस इसका आसानी से हो जाया करता है। इनहेरिटेंस की बात करें तो मल्टीफैक्टोरियल मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है, और इट कैन को एग्जिस्ट विद पोलीहाइड्रोएमनियोस, क्योंकि जब मीरोएन्सेफली हुई होती है तो ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा, ब्रेन सिग्नल नहीं भेजेगा कि अब फीटस को कि वो स्वेलिंग करे एमनियोटिक फ्लूइड की, एमनियोटिक फ्लूइड की स्वेलिंग नहीं होगी तो पोलीहाइड्रोएमनियोस हो जाएगा। फर्दर यहाँ पर उन्होंने शो किया है कि यहाँ पर अगर आप देखें ना तो प्रॉपर आपको ये अल्ट्रासोनोग्राफिक इमेज है, आपको प्रॉपर पता लग रहा है कि कैलिवेरिया उसका प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर कैलिवेरिया उसका प्रेजेंट नहीं है। दिस इज़ अ नॉर्मल फीटस, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल फीटस। यहाँ पर भी हम देखें इन द केस ऑफ द MRI तो यहाँ पर भी वी कैन नोटिस के देयर इज़ मीरोएन्सेफली, माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली के अंदर कैलवेरिया और ब्रेन जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, फेस का साइज अलबत्ता नॉर्मल होता है लेकिन कॉग्निटिव डिफिशेंसी होती है क्योंकि ब्रेन अंडर डेवलप होता है। इसके अंदर ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, उसकी वजह से प्रॉपर प्रेशर नहीं बिल्ट हो रहा होता जो कि नॉर्मली एक ग्रोइंग ब्रेन बिल्ट कर रहा होता है और न्यूरोक्रेनियम के साइज़ को प्रॉपर रख रहा होता है। सो इन दिस केस साइज ऑफ न्यूरोक्रेनियम इज़ आल्सो स्मॉल। अच्छा, इसका जेनेटिक ओरिजिन होता है और ऑटोसोमल रिसेसिव प्राइमरी माइक्रोसेफली की बात करें तो उसके अंदर ब्रेन ग्रोथ जो होती है वो रिड्यूस हुई होती है, लेकिन ब्रेन के स्ट्रक्चर्स वगैरह जो होते हैं वो इफेक्ट नहीं हुए होते। कॉजेज की बात करें तो आयनाइजिंग रेडिएशन, इन्फेक्शियस एजेंट, जीका वायरस, CMG, रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मा या ड्रग्स वगैरह जैसे अल्कोहल एब्यूज़ है तो उसके केस में माइक्रोसेफली, ठीक है। अल्ट्रासाउंड स्कैन से आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि स्मॉल हेड जो होता है वो प्री मेच्योर सिनोस्टासिस की वजह से भी हो रहा होता है कि ये जो क्रेनियल सूचर्स हैं उनका प्री मेच्योर क्लोजर हो गया, और न्यूरोक्रेनियम थिन होता है, उसके ऊपर एग्जेजरेटेड कॉन्वोल्यूशंस अपीयर हो रही होती हैं। एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोसम कंप्लीट भी हो सकती है, पार्शल भी हो सकती है। इसके अंदर सीजर्स प्रेजेंट होते हैं और कॉग्निटिव डेफिशिएंसीज प्रेजेंट होते हैं, और इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद सम अदर कंजेनिटल सिंड्रोम क्योंकि इट को एग्जिस्ट विद मोर देन 50 ह्यूमन कंजेनिटल सिंड्रोम। सो रेयरली ऐसी कंडीशन होती है कि इट्स प्रेजेंट एज एन आइसोलेटेड डिफेक्ट।